माने कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर दो माने सीट निकाल सकती थी, तीसरा उन्होंने खड़ा किया और तीसरा सीट भी निकाल लिया, और तो और भारतीय जनता पार्टी का भी दो एक वोट जो उसमें शामिल हो गया, और प्रमोद तिवारी जो तीसरे कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीते, उन्होंने कहा कि इनके जादूगरी का कमाल, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन अब उनके माने अब चीफ मिनिस्टर को लेकर उनके झंझट, लोग कहते हैं कि उनको अपने पिता पुत्र के प्रति कमजोरी है या जो भी वजह है, उन्होंने जिस ढंग से वहाँ विषाद बिछाया वो कांग्रेस के लिए माने ठीक नहीं है। अब सोनिया गांधी क्या करती हैं, सबकी नज़र इस पर है। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो में मनोरंजन कम हुआ, अब राजस्थान में इसकी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस की इस लड़ाई से पता चलता है कि वे सिर्फ सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं, जनता की सेवा नहीं करना चाहते। कांग्रेस के पास न कोई दिशा है और न कोई नेता है। राजस्थान संकट, राजनीतिक संकट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है। अनुराग ठाकुर लगता है बहुत सेवा करके जो है उस कुर्सी पर पहुंचे हैं, बहुत सेवा करने के बाद वहाँ पहुंचे हैं। उनकी सेवा तो लोगों ने देखा है, मैंने किस ढंग से जूता मारो का नारा लगाने के सेवा करते करते वहाँ तक पहुँच गए हैं। ये जरूर है कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी संकट है वो विरोधियों को बोलने का मौका उसने दे दिया है, इसलिए लोग बोल रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस पार्टी इस संकट से कैसे निकलती है, ये देखने की बात है। इस संकट का असर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर पड़ने जा रहा है। वहीं इसको लेकर के शशि थरूर ने अपनी जिम्मेदारी पर भरोसा जताया है। शशि थरूर ने कहा है कि उनकी उम्मीदवारी का समर्थन नामांकन दाखिल करने पर दिखाई देगा। देखिए मैंने पहले से जो तय था अशोक गहलोत को लेकर के कांग्रेस का मन बना हुआ था। कांग्रेस का मन क्या बना हुआ था, गांधी परिवार का मन बना हुआ था, और गांधी परिवार का समर्थन जिसको भी मिले वो जीतने की ज़्यादा गारंटी उसी की है। शशि थरूर को कुछ मामले में हम पसंद करते हैं, दक्षिण भारत के हैं, दक्षिण भारत में अभी तक देवेगौड़ा जी मैंने बाई फ्लूक जो है एक बार प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए बन गए थे, लेकिन जानकार आदमी, कॉम्पिटेंट आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं शशि थरूर। एक ही उनके ऊपर जो है सवालिया निशान उठता है कि जब वो बने थे तो जो हवाई जहाज़ में इकोनॉमी क्लास होता है उसको उन्होंने कैटर क्लास कहा था। तो एक अरिस्टोक्रेटिक मिजाज, एक संपत्ति वाले आदमी का दिमाग, वो उससे झलक रहा था। हालांकि इधर हमने देखा है कि उनकी हिंदी भी बहुत सुधरी है, और भारत का किस ढंग से अंग्रेजों ने शोषण किया ये उन्होंने एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके साबित किया, अंग्रेजों के सामने साबित किया। और उनकी जो किताब आई है बहुत अच्छी किताब है, हालांकि उससे बेहतर किताब हिंदी में पंडित सुंदरलाल की है भारत में अंग्रेजी राज, लेकिन उनकी किताब भी साबित करती है कि किस तरह से 150-200 वर्षों के शासनकाल में अंग्रेजों ने इस देश को खोखला बनाया था। तो अगर शशि थरूर भी बनते हैं तो एक नॉर्थ साउथ का, उत्तर और दक्षिण के बीच में जो एक थोड़ा थोड़ा अलगाव वाली बात दिखाई देती है वो भी पटने का काम करेगी। अब देखिए कांग्रेस में क्या होता है अंतिम निर्णय। भारत दुनिया की एक 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, कांग्रेस ने इसे एक 12वें स्थान पर ला दिया था। यह अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने इसे फिर से 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद इसे 5वें स्थान पर ला दिया गया। अमित शाह ने गुजरात में यह बात कही है। देखिए मैं नरेंद्र मोदी जी जो है वो जिस ढंग से देश को रसातल में पहुंचा रहे हैं, ये अमित शाह को अर्थव्यवस्था की क्या समझ है। वो जो दावा कर रहे हैं, आज के दिन हालत ऐसी है कि आपको डॉलर जो है 81 रुपया यानी 35 पैसे 40 पैसे पर पहुंच गया, और वही जब 2013-14 में चुनाव अभियान नरेंद्र मोदी जी चला रहे थे उस समय 64 रुपया 65 रुपया एक डॉलर हो गया था, और उनका दावा होता था कि नहीं साहब मैंने डॉलर इसलिए रुपया इसलिए कमज़ोर हो रहा है कि चूंकि नेता कमज़ोर है, नेता मजबूत होगा तो रुपया भी मजबूत होगा। और आज क्या साबित हो रहा है भाई, रसातल में जा रहा है रुपया, मैंने 81 रुपया से अधिक, मैंने
एक डॉलर की कीमत हो गई है, देश को कितना नुकसान पहुंचाना पड़ेगा? पहुंच रहा है। हमारे यहाँ जो है निर्यात कम होता है, आयात जो है ज़्यादा होता है, आयात में हमको ज़्यादा पैसा लगेगा, ऐसी हालत हो गई है। और खुद कहा था नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में कि इसका फायदा जो है दूसरे देश उठाएंगे, रुपया की कमजोरी का। तो दूसरे देश उठा रहे हैं, जिन देशों से हम आयात करते हैं सामान का, चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो या और अन्य देश हो जिनसे हमारा आयात निर्यात का रिश्ता है, ये हालत हो गई है। और ये दावा कर रहे हैं कि बेशर्मी का हद है। NIA ने PFI की आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। टेलीग्राम चैनल युवाओं को कट्टरपंथी बनाते थे। कराटे प्रशिक्षण केंद्रों पर हथियार प्रशिक्षण केंद्र खोले गए और कट्टरपंथी सिखाए गए। RSS के लिए SDPI और PFI खतरे के रूप में आ गया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस क्रैकडाउन के बाद संगठन के सदस्यों ने RSS को धमकी दी, 10 सेकंड में आपसे निपट सकते हैं। देखिए, जिस ढंग से इनके यहाँ छापामारी हुई, छापामारी के बाद इन लोगों ने बंद का जो आयोजन किया और बंद के आयोजन में जिस ढंग से मैंने हिंसा का प्रदर्शन हुआ, वो घोर निंदनीय है। आश्चर्य इस बात का है कि जो दावा कर रही है PFI को लेकर के NIA या भारत सरकार या गृह मंत्रालय, उसको अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? ये आश्चर्य की बात है। और एक बात साफ है कि देश के अंदर घृणा और नफरत, हेट फैलाने वाली जो जमातें हैं, जो बढ़ती जा रही हैं और हर धर्म में वो बढ़ती जा रही हैं, इन सब पर जो है सख्ती के साथ जो है अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो देश की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी।